हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले ओलिविया हर्बल ब्लीच के बारे में। जो हर्बल है, काफ़ी अच्छा ब्लीच है ये। आप देख सकते हो हल्दी, चंदन, एलोवेरा, नींबू इसमें मिक्स है और ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया ब्लीच है। अगर आप 18 प्लस के हैं तो आप ये ब्लीच को आराम से यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ब्लीच के साथ आपको एक्टिवेटर फ्री में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आप हेयर बैंड या फिर आप फेशियल बैंड की मदद से अपने बाल को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए और टॉवल लगा लीजिए। ये बायोटिका क्लींजर काफ़ी अच्छा क्लींजर है ये। तो क्लींजर से हम एक मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज करेंगे, इससे जो भी डस्ट वगैरह होगा, जो भी पॉल्यूशन होगा वो निकल जाएगा। तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके ही अपने फेस पर ब्लीच अप्लाई कीजिए, क्योंकि डस्ट के ऊपर हमारे फेस पे डस्ट होता है। अगर आपके पास क्लींजर नहीं है तो आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कितना सारा डस्ट निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारा फेस क्लीन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ओलिविया का हर्बल ब्लीच। ये काफ़ी अच्छा ब्लीच है, आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा लास्ट में, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम ब्लीच निकाल लें। अपने फेस के अकॉर्डिंग आप ब्लीच निकाल सकते हो, एक स्पून या फिर थोड़ा लिमिट से। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मुझे बैक साइड में भी लगाना है और नेक एरिया में भी ब्लीच को लगाना है। तो यहाँ पर ब्लीच हम निकाल लिए हैं और उसके बाद रहा एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर जब भी आप निकालें तो थोड़ा उसको हिला लें, उसके बाद वो जो भी जमा हुआ रहेगा वो सही हो जाएगा और निकाल लें। उसके बाद आप एक चुटकी से लें, मतलब आपको ज़्यादा नहीं लेना एक्टिवेटर, क्योंकि एक्टिवेटर की मात्रा ज़्यादा ब्लीच में नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण चेहरा जल भी सकता है। तो हम थोड़ा सा एक्टिवेटर लेंगे, आप देख सकते हो कि किस तरीके से लिया है। तो इसी तरीके से हम इसमें तीन बार लेंगे, क्योंकि ये मेरा 3 स्पून है, लगभग 3 कोट है ये ब्लीच, क्योंकि मुझे अपने बैक साइड नेक पर भी और फ्रंट साइड नेक पर भी यूज़ करना है और फेस पर भी अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो इसमें एक्टिवेटर हमने ले लिया है। अब एक्टिवेटर और ब्लीच को अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी स्किन मेरी जैसी है, अगर नॉर्मल टू ओल्ड स्किन है आपका, या फिर ड्राई स्किन है, या फिर सांवली स्किन है आपकी, तो आप ये ब्लीच को यूज़ कीजिए। बहुत अच्छा ब्लीच है ये। माउथ एरिया और आई एरिया और आईब्रो एरिया को छोड़ दें और पूरे फेस और नेक और बैक साइड भी आप ब्लीच लगा सकते हैं। तो ब्लीच को आप ज़्यादा देर ना रखें, 10 से 15 मिनट बहुत है। 10 मिनट तक आप रख सकते हो, अगर आपकी उम्र 30 प्लस है तो आप 15 मिनट भी रख सकते हो। अब यहाँ पर ब्लीच हमने अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है फेस और नेक एरिया पर, और यहाँ पर हम ब्लीच को 10 मिनट रखेंगे। तो बीच में ही आप 5 मिनट जैसे ही हुए वैसे आप फिंगर या फिर ब्रश की हेल्प से आप अपने पूरे फेस और नेक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 5 मिनट फिर होने के बाद इसे हम रिमूव कर देंगे। अगर आप कोई भी ब्लीच यूज़ करते हो तो ब्लीच लगाने के बाद हल्के से आँखों में जलन होती है, और इसके बाद हम अब अच्छे से 10 मिनट हो चुका है तो ब्लीच को रिमूव कर देंगे। तो हमने यहाँ पर टिश्यू को अच्छे से वेट कर लिया और पूरे फेस को अच्छे से हम क्लीन कर रहे। आप तो टॉवल से भी क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल रिजल्ट कैसा आया है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।